Shanti, if you want to connect and want to give a message, give me a finger on screen or on surface or head mute. ओके वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्स गाइस, वी हैव अ मैसेज और मुझे किंग ऑफ वॉन्स भी दिखाई दे रहे हैं. तो आई कैन सी बोथ किंग एंड द क्वीन एंड देन आई सी दिस वन कार्ड विच इज़ लाइक अ वेरी वेरी फास्ट कम्युनिकेशन. और यहाँ पर मुझे लगता है क्वीन ऑफ पेंटिकल है या ओके इट वेंट इनसाइड. ओके सो यहाँ पर इफ यू सी हियर, सो जो स्लो मूविंग पेस में चीज़ें चल रही थी उसमें एक फास्ट मूवमेंट जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है. क्वीन है और क्वीन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पर टेम्परेस एक बैलेंस की एनर्जी होती है टेम्परेस की, बट किंग राइजिंग की भी होती है एंड दिस इज मटेरियल हैप्पीनेस. सो दिस लुक्स लाइक द पॉजिटिव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्योंकि आइडियली सर्कमस्टांसेस उस तरह के दिख रहे हैं कार्ड के हिसाब से जहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है मूवमेंट में आ गई है. चैरियट की कार्ड, चैरियट का कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे, टेम्परेस है उसके नीचे और उसके नीचे इफ यू सी देयर इज मटेरियल हैप्पीनेस. और ये आई थिंक नाइन ऑफ पेंटिकल है या नाइन ऑफ कप्स है, नाइन ऑफ कप्स है. तो ये यहाँ पर जो कार्ड्स हैं ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं दैट देर इज अ मूवमेंट दैट इज हैपनिंग. और कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड जब मूव करेगी तभी किंग ऑफ वॉन्ड के आने का जो सिस्टम है वो पूरा प्रिपेयर होगा. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड्स लग रहे हैं. दिस इज 447 क्योंकि ये 4 है ये 7 है एंड दिस इज 14. सो 5 and 9 बट दिस इज 47 and 59 9 10 11 12 13 14. फिर से 5 चार निकालना है आपने. पहले रोटी खा लो. मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मैं ये वीडियो करती हूँ ना. अच्छा पीयू आ गई, भाग के चार निकालने चले. अच्छा ठीक है, थैंक यू. ओके सो वो तो चाम निकाल के सुशांत के लिए और विभोर के लिए मोर और लेस एक तरह से दोनों में अगर आप देखो तो बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी. देर इज एन एंगल जो ट्रायंगल वाला शेप जो है नीचे से दोनों का बन रहा है एंड देन ऊपर एक पॉइंट पे जाके मिल रहा है. दिस इज सेफ्टी, दिस इज सिक्योरिटी एंड जो नेटवर्किंग की एनर्जी है. सो दिस इट लुक्स लाइक देर इज सम नेटवर्किंग दैट इज बींग प्रिपेयर्ड. कोई नेटवर्किंग जो है उसको तैयार किया जा रहा है ताकि जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है वो अपेयर हो सके या उसके आने का या जो कंप्लीट वर्क होना है वो हो सके, जिसके कारण एक तरह से त्रिशूल की एनर्जी है. सो दैट एनर्जी कैन बिकम स्ट्रॉन्गर. और यहाँ पर इफ़ यू सी तो ये मनी की एनर्जी है. मनी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाई गई हैं और बहुत समय से उनको इवेल्युएट किया जा रहा है. उसमें फास्ट एक्शन मतलब एक्शन के तेज होने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है. सो आई डू फील दैट समवेयर इट इज़ हिज कमिंग एंड ऑल्सो मूवमेंट मतलब फास्ट मूवमेंट एक्शन जो है उसका फास्ट होना जो है दोनों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. एक कार्ड मैं काली कार्ड से लूंगी. लेट्स सी व्हाट सुशांत वॉन्ट्स टू टेल अस. मुझे यहाँ पे सामने दिख गया और मेरा सुबह भी मेरा मन था काली कार्ड से कार्ड लेने का. गाइज आई एम सॉरी, आपने बीच में बहुत मैसेजेस भेजे बट मैं बाहर थी तो आई कुंट सी द मैसेजेस एज एन आई कुंट डू द कार्ड्स. तो लेट्स सी सुशांत व्हाट डू यू वांट टू गिव फ्रॉम हियर, व्हाट डू यू वांट अस टू नो फ्रॉम काली कार्ड्स. What is the message? Okay, wow, सीधा हो गई. और बगला मुखी का कार्ड आया है, ब्यूटिफुल कार्ड. और ये कार्ड बोलता है कि बगला मुखी जो है नेगेटिविटी का फ्लो जो है उसको अरेस्ट करती है, उसको रोक देती है. स्पेशली जो आप नेगेटिविटी खुद क्रिएट करते हो वो ट्रांसफॉर्म करती हैं आपके कर्मा को और जो भी चीज़ें जो हिंडर कर रही हैं आपके हैप्पीनेस को उसको दूर करके हैप्पीनेस लाती हैं. और वो गॉसिप सिलेंडर या किसी भी तरह की नेगेटिविटी दूसरों की जो है उससे भी आपको सेव करती हैं. एंड दिस सेज कि एक पॉजिटिव टर्निंग ऑफ द टाइड मतलब लहरों का पॉजिटिव होना, अच्छी की तरह मुड़ना और गुड फॉर्च्यून मतलब अच्छी किस्मत जो है वो प्रिडिक्टेड है. तो डेफिनेटली कहीं ये एक अच्छी एनर्जी का सिग्नेचर साइन दे रहे हैं. और यहाँ पर धर्मा ऑफ काली का कार्ड जो है वो नेक्स्ट था जो मुझे यहाँ पर दिखा. मुझे लगा कि इसको भी उठाना चाहिए. एंड दिस इज वो ऑलरेडी बोल रही है कि आप सक्सेस के साथ इंटीग्रिटी के साथ कनेक्टेड हो. आपको अपना फेथ किसी भी ऐसी चीज में नहीं डालना है जो आपके साथ रेजोनेट ना करे, आपके स्पिरिचुअल नोइंग के साथ कंफर्म ना करे. जो भी हो रहा है आपके लाइफ में आपकी प्रेयर्स आंसर हो रही है. अ न्यू ऑर्डर इज बींग एस्टेब्लिश्ड एंड यू आर बींग लेट टू वेट. एक नया ऑर्डर एस्टेब्लिश हो रहा है और आपको उस ऑर्डर के अंदर ले जाया जा रहा है. दैट्स हाउ द थिंग्स आर. सो इट इज लुकिंग लाइक
देर इज समथिंग दैट इज बींग एस्टेब्लिश्ड एंड इट इज़ बिकमिंग लाइक कहीं वो मूवमेंट जो है वो फास्ट की जा रही है, कहीं वो मूवमेंट की पेस जो है वो बहुत स्लो थी, तो वो पेस जो है वो चेंज की जा रही है. और यहाँ पे डेफिनेटली मनी एनर्जी भी है, फास्ट रिटर्न की एनर्जी भी है, और जस्टिस की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है. सो दिस इज़ लाइक 10 and 11. सो 10, 11, 6, 6 एंड फिर से यू सी दैट 8. सो यहाँ पर दैट एनर्जी लुक्स लाइक कि किसी का अरेस्ट जो है वो मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि ये होना है. इट इज़ अ थीफ और उस थीफ का अरेस्ट जो है ऑलमोस्ट डिसाइडेड है एंड इट लुक्स लाइक फाइनली वी आर एट द फाइनल स्टेज ऑफ दैट अरेस्ट टू हैपन. क्योंकि बहुत सारे अरेस्ट हो रहे हैं राइट, बट व्हेन ही इज़ इंडिकेटिंग समथिंग वेरी वेरी स्पेसिफिक. और ये स्पेसिफिक जो है लेट्स सी विच हु इज द पर्सन हु इज गोइंग टू बी अरेस्टेड, हु वी शुड लाइक किसके बारे में वो बात कर रहे हैं जिसको हमें जिससे बाकी सारी पोल खोल जो है वो शुरू होगी. तो हु इज द पर्सन दैट नीड्स टू बी अरेस्टेड नाउ और दैट विल बी अरेस्टेड. ओके, इट्स अ फीमेल श्योरली. और फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अ फीमेल जिसने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है. बट इफ यू सी दिस पर्सन, दिस किंग इज सिटिंग हियर और वो एक तरह से गार्ड कर रहा है एंड ही इज नॉट लेटिंग हर कम आउट और ही इज नॉट लेटिंग हर स्पीक. लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो, देर इज अ फीनिक्स दैट इज राइजिंग, देर इज अ फीनिक्स दैट इज फ्लाइंग. धोलो, देर इज अ फीनिक्स दैट इज राइजिंग, देर इज अ फीनिक्स दैट इज कमिंग अप. एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी फीमेल है जो बहुत स्ट्रांगली गार्डेड है अभी इस टाइम पे, बट इट लुक्स लाइक और शी इज गार्डेड बाय मेन लाइक अ किंग, बट लुक्स लाइक शी इज गिवन अप, शी इज ऑलमोस्ट गिवन अप. उसने उसने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया है. मतलब शी इज रेडी टू, द मोमेंट शी इज कॉट, वो तैयार है सब कुछ सामने लाने के लिए. शी इज रेडी टू एक्चुअली स्पिल ऑल द बीन्स. एंड व्हेन विल दिस हैपन? ओके, लेट्स सी व्हेन जो होता है ना वो बहुत टिपिकल क्वेश्चन होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है. बट दिस इज मैजिशियन, सो दिस इज लाइक द मैजिक. और नंबर 1 का कार्ड होता है मैजिशियन, सो इट कैन बी लाइक 1 month, 1 week, 1 day, 1 year. 1 year तो नहीं, समवेयर नेक्स्ट ईयर तक बहुत कुछ ऑलरेडी सॉर्ट हो जाएगा. सो दिस हैज़ टू हैपन बिफोर दैट. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे रिसोर्सेज जो है छोटे छोटे इस्तेमाल किए जा रहे हैं उस चीज़ को करने के लिए. सिंड्रेला की स्टोरी है, सिंड्रेला वाला सिचुएशन है. तो लुक्स लाइक 1 इज द टाइम लाइन. लास्ट कार्ड, ओके लास्ट कार्ड हियर 1 के साथ यहाँ पर 8 of Wands का कार्ड है. इट इज़ फास्टर, इट इज़ फास्टर देन यू रियलाइज. 8 of Wands बहुत फास्ट एनर्जी होती है. इट इज़ लाइक समथिंग वेरी वेरी हैपनिंग, वेरी वेरी फास्ट, वेरी वेरी स्ट्रांग. तो ये बहुत फास्ट एनर्जी है फॉर श्योर. सॉरी पीहू, बीच में पीहू के काम भी करने पड़ते हैं तो बार बार गड़बड़ होती है, बट आई ट्राई टू डू माई बेस्ट दैट आई कैन. लेट्स सी, आई एम फीलिंग लाइक टेकिंग आउट 1 card फ्रॉम फीनिक्स. तो फीनिक्स दिखा तो फीनिक्स की याद आ गई. Let's see, Sushant, what do you want to give? What do you want us to know from here? When is the Phoenix rising? When is the Phoenix rising? Okay, बहुत सारे मेरे हाथ के ऊपर आके गिर गए. When is the Phoenix rising? Okay. 1 फिर से 1 की एनर्जी. एंड लेट्स सी व्हाट डू वी हैव विद दिस कार्ड. व्हेन इज द फीनिक्स राइजिंग, इट गिव्स 1 और उसमें 1 में इफ यू सी 3 स्टोन्स हैं. लाइक इट इज 3 स्टोन्स जो अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं. ये बुद्धिस्ट डिजाइन है बाय द वे, ये बुद्धिस्ट एनर्जी है. और ये सर्कल, परफेक्ट हार्मनी का सर्कल जो है, परफेक्ट कामनेस का सर्कल जो है उसको रिप्रेजेंट करता है. और ये बुद्धा की एनर्जी भी है, गौतम बुद्ध. और गौतम बुद्ध जो है हम बोलते हैं कि वो नवे अवतार थे. और मैंने बोला व्हेन इज द फीनिक्स राइजिंग, तो यहाँ पर डेफिनेटली दैट बुद्ध एनर्जी इज वेरी स्ट्रांग. सो ये कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि अगर आपका ये लाइक ये ऐसा पर्सन को इंडिकेट करता है जो इंट्रोवर्ट है, येट इंट्रोवर्ट नहीं है,
येट अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करना जानता है। ऐसा पर्सन जिसको एस्ट्रोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, जो भी आप बोलो, उन सारी चीजों की नॉलेज है, जो जेन का स्टूडेंट है। और यहाँ पर ना एक और ब्यूटीफुल एनर्जी जो मैं बोलूंगी इस कार्ड के चलते आई है, दैट इज की टाइम में यहाँ पे लिखा है 370 BC, और 3 और 7 जो है वो 10 बनता है। सो दिस इज अगेन, नथिंग इज ग्रेटर और लेस देन आई, दैट्स द मैसेज ऑफ दिस कार्ड। एंड ये आई का कार्ड है, वन का कार्ड है, और ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली एक्शन, ओनली वेन दैट एक्शन, सो बेसिकली एक चीज का वेट कर रहा है। ये कार्ड बोलता है कि एक एक्शन का इंतजार है, और उस जैसे ही वो एक्शन होगा उसके बाद द फीनिक्स इज गोइंग टू राइज, और उसके बाद द बुद्धा इज गोइंग टू राइज, और या कल्कि इज गोइंग टू राइज, जैसे भी आप इसको देखो। एंड दीज आर 3 स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ इट। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे 3 स्टेपिंग स्टोन्स हैं, एक स्टोन जो है वो काफी दब गया है इफ यू सी नीचे, सो मे बी 1 स्टेप हैज बीन टेकन, देयर आर 2 मोर स्टेप्स टू बी टेकन, एंड उसके बाद वी माइट सी द फीनिक्स, राइट, व्हेन वी सी द फीनिक्स राइजिंग। Let's see if this is it or Sushant wants to say anything else. Okay, so this is the energy of prayers which we should continue, the energy of strength which is power, chariot jo movement hai, and justice and past coming back, beautiful energy again. He's giving all those messages that definitely something is beautifully happening, aur aapko apne mind ko strong rakhna hai because this is like rest after strife, to aapko apni strength ko use karna hai, aur there is going to be time very soon jahan pe after this all strife, all this powerful struggle that you are putting in, uske baad there will be that energy where you will find some rest and you will find some material success, so that's going to come for sure. But uske baad you bore mujhe neend aa rahi hai, and he's saying that there will be rest from strife, just wait for a while. It's like, okay, let me give the complete message, there will be rest from the strife. So amazing. Okay, Sushant, what else? Yes, see, there will be celebration. This is the magic paintbrush. द पेंट ब्रश जो नई स्टोरी लिखता है, नई बिगनिंग लिखता है, और उसके लिए डिटर्मिनेशन की जरूरत है। दिस इज 4, दिस इज 7, फिर से ही गेव द 47 की एनर्जी बिकॉज समथिंग टोल्ड मी टू सी एट द लास्ट कार्ड, और ये 3+1 4 की एनर्जी है, और ये 7 की एनर्जी है। सो फिर से इज गिविंग 47, दैट मीन्स एंड किंग ऑफ वंस, वाओ, फीनिक्स राइजिंग, राइट, सो फीनिक्स राइजिंग इज वेरी वेरी क्लोज, इज गिविंग दैट एनर्जी जहां पे फीनिक्स जो है वो बहुत बहुत क्लोज है टू राइज, एंड वी विल सून have the phoenix with us for sure. लेकिन उससे पहले बहुत सारे टास्क हैं जो कम्प्लीट होने हैं, 3 स्टेपिंग स्टोन्स जो कम्प्लीट होने हैं, और उसके बाद वी विल हैव फीनिक्स, और वी विल हैव हिम, और वी विल हैव कल्कि, द वे यू वॉन्ट टू से इट। ब्लिस अरोज इन द हार्ट्स ऑफ रामा, लक्ष्मण, हनुमाना कम्बाइंड विद द रिन्यूअल जील टू accomplish their aim. A faithful servant met his Lord. The Lord for his servant received great help. So this is beautiful, क्योंकि ये नई अलायंस की एनर्जी है, और नई अलायंस जो है वो बैलेंस फोर्स लेकर आ रही है, और हाई स्पिरिट्स हैं. सो दिस इज ऑलरेडी सेइंग दैट स्पिरिट्स आर हाई, फोर्स आर बैलेंस्ड, अलायंसेज आर मेड, एंड जब अलायंसेज हो गई हैं, फोर्स हाई है, स्पिरिट हाई है, तो डेफिनेटली किसी चीज की तरफ तो हम डेफिनेटली लीड कर रहे हैं, किसी एक्शन की तरफ तो हम डेफिनेटली लीड कर रहे हैं. वाओ, सो जैसे द कार्ड्स आर कमिंग, दे आर शोइंग दोज पावरफुल मैसेजेस ओवर एंड ओवर अगेन, बिकॉज आई सी दिस 9 विच इज अ कम्प्लीशन, आई सी दिस 9 विच इज अ हैप्पीनेस, एंड आई सी द टावर विच इज बेसिकली स्ट्रांग एनर्जी ऑफ स्ट्रांग एक्शन. तो टावर तो है ही है, और देर इज द एनर्जी ऑफ फूल ऑल्सो. आई थिंक दैट ही वॉन्ट्स टू से समथिंग एल्स. मुझे एक बार लेट मी सी इफ आई कैन पुल आउट एनी अदर सेट ऑफ कार्ड, बट देर इज समथिंग एल्स दैट I'm missing. Let me see. Okay, let's see from here. Sushant, what do you want to say? क्या बोलना है? बोल दो फिर. Moving. पहली energy moving. Second energy magic. Third energy Archangel Uriel. Fourth energy hope. This is very very beautiful. So this is saying that आपकी जो होप है, आपकी जो उम्मीद है, वो एंजल्स को लेकर आएगी, पीस एम्बेसडर, और वॉर के बाद ही पीस आती है. बट दिस इज लाइक चेंज जो है वो हो चुका है, ऑलरेडी बिगिन हो चुका है, चेंज ऑलरेडी हो रहा है, और वो गोदी में आने वाली है, बिना गोदी में आने वाली,
ये गोदी में आने वाली हाँ है। गोदी में आने वाली है। ये चेंज जो है ये हो रहा है ऑलरेडी, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। और अगर आप बिलीव करोगे, एक मिनट, अगर आप बिलीव करोगे तो आपको मैजिक भी दिखाई देगा। जस्ट होप फॉर द पॉजिटिविटी। और आर्कएंजल यूरियल आपकी डेफिनेटली स्ट्रेंथ है, पावर है और हार्ट है। और पीहू ने फिर से वही कार्ड निकाल दिया। आई मे बी देर इज समथिंग दैट आई एम मिसिंग। यहाँ पे देर इज अ जीरो बट इट्स नॉट अ जीरो, लाइक देर इज अ सर्कल बट इट्स नॉट कम्प्लीट। सो आई थिंक अ सर्कल हैज टू बी कम्प्लीटेड। और कोई सर्कल जो है वो अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ है फॉर दिस एनर्जी। ओके, सो दिस इज प्रॉब्ली वाई ही गेव दिस अगेन, क्योंकि यहाँ पे वन है और यहाँ पर इफ यू सी पीयू गॉट 10। और ये इंडियन एनर्जी है जो 10 का कार्ड है। बस 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 क्या रहा, ये इंडियन एनर्जी है जो 10 का कार्ड है। एंड दैट मेक्स द सर्कल, दैट मेक्स द सर्कल कंप्लीट, दैट मेक्स द सर्कल कंप्लीट। एंड ये कहीं ना कहीं इट इज अ स्ट्रांग कार्ड ऑफ अ मास्क, राइट? आपको एक बहुत स्ट्रांग मास्क और बहुत स्ट्रांग एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। एंड बस पीयू प्लीज, दिस इज 2 एंड दिस इज व्हाट शी गॉट इज 11। और ये अगेन एनर्जी है मून साइकिल की। समबडी इज सिटिंग टू गेट व्हाट ही वांट्स। एंड यहाँ पर द एग दैट इज ब्रेकिंग। सो डेफिनेटली वो एनर्जी दे रहे हैं दैट कुछ बहुत स्ट्रांग होने वाला है, कुछ बहुत स्ट्रांग मूवमेंट्स होने वाली हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग साइकिल्स चेंज होने वाली हैं। एंड वी विल सी दिस मैजिक। सो लेट मी जस्ट सी इफ दिस इज इट और इफ देयर इज मोर। एक मिनट रुकना बेटा, मुझे देखने दो। इफ दिस इज इट, सुशांत यू कैन गिव मी किंग ऑफ वर्ड्स। मैं मारूं, हां मेरा बच्चू ठीक हो जाएगा। टेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो द व्हील्स आर डेफिनेटली चेंजिंग एंड आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट एबल टू सी सुशांत। इज लाइक आई हैव मोर टू से बट आई डोंट नो व्हाट दैट मोर इज दैट ही वॉन्ट्स टू से। मैं अभी भी आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट बट देर इज समथिंग प्रॉब्ली दैट आई एम मिसिंग बिकॉज ही डजेंट डू दिस। मतलब जब तक कोई बहुत स्ट्रांग चीज़ नहीं होती है वो ऐसा नहीं करते हैं। सो लेट मी जस्ट पिक अप वन मोर कार्ड सेट। मी सी फ्रॉम गॉड एंड गॉडेस इफ वी गेट एनी। वाओ, नंदी, सीधा नंदी का कार्ड आया और नटराज और नंदी एक साथ आए। ये आई थिंक दैट ही इज गिविंग मूवमेंट का मैसेज, क्योंकि एक मूवमेंट जो है वो मुझे आती हुई लग रही है, क्योंकि यहाँ पर एक मूविंग की एनर्जी है, मैजिक की एनर्जी है। यहाँ पर 1 to 10 की एनर्जी है। सॉरी पीयू, बहुत डिस्टर्ब कर रही है, बट सॉरी। यहाँ पर नटराज और उनके वाहन की एनर्जी है। सुशांत 47 की एनर्जी रेगुलर दे रहे हैं। इट लुक्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पर किसी को किसी का, मतलब उनको उनका जो वाहन है, जो बोले कि कल्कि को उनका घोड़ा मिल गया है या कोई ऐसी चीज़ मिल गई है। इफ दैट दिस इज व्हाट यू वांट टू से सुशांत, देन यू गिव मी किंग ऑफ वॉन्ट्स और शो मी किंग ऑफ वॉन्ट्स। इफ दिस इज व्हाट द मैसेज वाज दैट यू फाउंड योर रिसोर्स। अच्छा, यू फाउंड योर सोर्स, यू फाउंड योर व्हीकल, यू फाउंड योर चैरियट, यू फाउंड योर हॉर्स। अच्छा, सुशांत की बहन के लिए ये कहाँ से आया? ओके, सो दिस इज डेथ। चैरियट में आपको कार्ड दिखाती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा, बस 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 पीहू बस करो। ओके, सो मैं एक बार दिखाती हूँ। ही इज सेइंग, पीहू इज सडनली सेइंग कि सुशांत चैरियट की एनर्जी है। ही इज नॉट शोइंग हिमसेल्फ स्टिल बट शी इज सेइंग दैट ये सुशांत की बहन के लिए है और ये सुशांत की दीदी के लिए है। सो शी सेड ये सुशांत की बहन के लिए है। लेट मी सी, मे बी दिस इज व्हाट ही वांटेड टू इंडिकेट। मैं नहीं समझ रही हूँ। एक लड़की जो सुशांत को बहुत प्यार करती है। शाम, अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, मुझे ये देखने दो। एट, लेट मी सी व्हाट दिस सेज। क्या आप एक मिनट चुप हो जाओ। ओके, सो ये जो कार्ड है ये एक्चुअली गोल्ड वर्क का कार्ड है और ब्रेसलेट है जो ट्विन रैम्स बताता है या ट्विन रैम्स को रिप्रेजेंट करता है। और लेट्स सी व्हाट दिस सेज। दिस सेज समबडी हुज कलरफुल एक्सोटिक, जो बहुत रिच एनर्जी में, रिच इमेजिनेशन में जीना चाहता है। समबडी जिसको सरेंडर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समबडी जो एक तरह से
फिजिकली या सेक्सुअल एनर्जी के बीच में कई बार सुपरसीड कर जाती हैं एनर्जीज। और दिस इज लुकिंग लाइक अ कार्ड जहाँ पे मिस्टीरियस मैसेजेस किंगडम को मिस्टीरियस मैसेजेस जो हैं भेजे जाते थे एंड ईविल वॉज एसोसिएटेड एंड लाइंग एंड लाइंग टू बी इवन वर्स देन मर्डर। तो ये उस टाइम का कार्ड है जब झूठ बोलना जो है मर्डर से भी ज्यादा वर्स जो है वो माना जाता था। बट अपेरेंटली मुझे पता नहीं क्यों लेकिन इस कार्ड में लाइंग मर्डर इविल सारे वर्ड्स जो हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड दैट्स व्हाट शी सेड उसकी सिस्टर के लिए है एंड देन शी सेड उसकी दीदी के लिए है। दिस इज 14 नंबर का कार्ड। लेट मी सी 14 नंबर का कार्ड क्या बोलता है उसके बाद मैं इसको सुलाती हूँ। 14 नंबर का कार्ड एलिजाबेथ डांसर। ये एलिजाबेथ कॉस्ट्यूम है और एलिजाबेथ डांसर का कार्ड है। समबडी हु इज रिलेटेड टू कॉस्ट्यूम्स, वी नो हु इज रिलेटेड टू कॉस्ट्यूम्स, वो एनर्जी है। एंड दिस इज ऑल्सो बॉर्न विद इल फेटेड यूनियन। ये किसी किंग की एनर्जी बताता है जो इल फेटेड यूनियन के साथ बॉर्न हुआ था। और दिस इज समबडी हु इज जो अपने आप को एक्सप्रेस करना जानता है, टीचिंग जानता है, जिसकी वॉइस थोड़ी सी डिस्टिंक्टिव है, अलग है, और समबडी हु इज रोमांटिक लेकिन कुछ चीज़ों में अनकंफर्टेबल हो सकता है, बहुत कोरस हो सकता है, एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, और अपनी फुलफिल अपनी लाइफ को फुलफिल अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए ही सारा टाइम जो है वो डाल सकता है। तो देर आर सम डार्क कॉर्नर्स और डिप्रेसिंग एनर्जीज अबाउट दिस पर्सन। और ये दो कार्ड्स शी सडनली गेव, कई बार मुझे नहीं समझ में आता है मैसेज बट हु इज द सेवियर, सो दैट्स व्हाट ही सेड। सो लेट्स सी इफ देयर इज समथिंग मोर दैट ही वांट्स टू से अबाउट हिज सिस्टर्स। शंकर वांट टू से समथिंग मोर अबाउट डेविल सीक्रेट्स स्टक नाइन ऑफ पेंटिकल। Why do I have a feel that there is probably something happening around his family system, especially the sisters? Don't open my Almira. ये ऐसे लग रहा है जैसे sisters के आसपास या family के आसपास there is something happening and this is like somebody is getting stuck because some secrets are going out, या फिर कोई किसी ने धमकी दे दी है secrets reveal करने की और उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। Something of that sort is what I am seeing. Suddenly this energy has changed. Okay, let's see. Sushant, if anything else that you want to share it. This is the energy of movement. This is definitely the energy of movement. And that movement that needs to kind of वो movement, thank you, वो movement जो होनी चाहिए। सॉरी मुझे एक सेकेंड में पीहू पीछे खींच रही है, एक सेकेंड में मैं आगे कार्ड देख रही हूँ। इट इज़ वेरी मतलब ये एनर्जी वाइज अगर मैं बोलूँ तो थोड़ी सी वियर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है बिकॉज देर इज़ मूवमेंट, देर इज़ चैरिट ऑल्सो दैट इज़ फाउंड, बट सडनली द सिस्टर्स एनर्जी इज़ ऑल्सो गेटिंग स्ट्रॉन्गर। और वो भी मतलब वो एनर्जी भी ओपन अप हो रही है एंड सडनली देर इज दिस फील कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है किसी चीज़ को लेकर, और वो कन्फ्यूजन जो है वो बहुत सारा अनक्लैरिटी ला सकती है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो एनर्जीज आपके आसपास होती है व्हेन यू रीड दे आर एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग और व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड अभी इफ़ यू सी मी तो आई एम येस दिस इज़ वॉट ही वॉन्ट्स टू से सी इफ़ यू सी मी तो मैं एक चीज़ दो चीज़ तीन चीज़ साथ में करने की कोशिश कर रही हूँ एंड देर इज़ दैट एनर्जी दैट विच इज़ अ लिटिल कॉजिंग कन्फ्यूजन। तो ही इज़ सेइंग दैट देर विल बी एंड ऑफ क्रुएलिटी एंड ऑफ डिस्पेयर, देर विल बी अ विक्ट्री, देर विल बी अ हिम एंड नाइन की एनर्जी है। बट द ओनली थिंग दैट इज वेरी स्ट्रांगली कमिंग टू मी इज वन इज फाउंड इज हॉर्स। बहुत डिफिकल्टी के बाद इज फाउंड इज हॉर्स, मतलब जो भी उनको मूवमेंट करने के लिए आगे रिसोर्स चाहिए था वो ही इज फाउंड। एंड सेकेंड थिंग दैट इज कमिंग वेरी स्ट्रांगली टू मी इज दैट समथिंग विद द फैमिली इज गोइंग टू कम आउट। सो लेट्स सी क्या होता है गाइज। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड आई एम सॉरी फॉर ऑल दैट कन्फ्यूजिंग एनर्जी, बट कई बार एनर्जीज जैसे आती हैं वैसे ही आई हैव टू पुट इट अक्रॉस। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट वन क्लैरिफायर फॉर नाइन ऑफ सोर्स, क्योंकि ये थोड़ा सा अगेन उसी तरह की एनर्जी लग रही है, कन्फ्यूजिंग और एंग्जाइटी वाली, और पीहू पीछे से मेरे को मारी जा रही है एंड दिस इज अ टावर।
हाँ जो भी कर रही है पीछे से, प्यार कर रही है अभी वो पीछे से मुझे. सो दिस इज टावर एंड एस ऑफ कॉइन्स. दिस इज एक्चुअली लाइक एक बीज जो डाला जा रहा है जो बढ़कर टावर मूवमेंट जो है क्रिएट करेगा, टावर मूवमेंट जो क्रिएट करेगा. तो यहाँ पर मुझे ये नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं किसी के लिए जो सिर्फ पैसों के लिए या जिसने एक अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए कुछ बहुत बड़ा एक्शन ले लिया था उसके लिए टावर मूवमेंट है. तो इट्स लुकिंग लाइक अ टावर मूवमेंट जिसमें प्रॉब्ली सिस्टर्स आर गोइंग टू बी पुश्ड और पुल्ड इन समहाउ. लेट्स सी क्या होता है. बट थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय.